अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दिस इज जेड के जी व्लॉग्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका भाई या दोस्त या कुछ भी समझ लो। हाँ भैया, जो सपना अभी देखा है ना मैंने, वो सपना मैं कैसे आप लोगों को दिखा पाऊँगा, कैसे वो मेरे पास आ जाएगा और वो कैसे खुद ब खुद आप लोगों को मैं दिखा पाऊँगा, वो मैं ऐसे आपको दिखा पाऊँगा कि भैया मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा कि सपने में मैंने क्या देखा है। मैंने जो देखा है मैं थोड़ा याद करने की कोशिश करता हूँ। तो ख्वातीनो हजरात, अभी हम मौजूद हैं मेरे सपने में, अभी ख्याल में। अब ये पता है कि ये रियल मुखाब देखा है जेड के जी काजिम ने, कि उसके साथ है सदाम भाई और एक दोस्त है जो कैमरा पकड़ के भी खड़ा हुआ है, पर ये नहीं पता कि मंजिल किस तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना, तो अभी ट्रेन में बैठते हैं, फिर रियल में जो जेड के जी काजिम है उससे पूछा जाएगा कि भैया कहाँ जा रहे हो, सारे काम धंधे छोड़ के कहाँ जा रहे हो। अब मुझे रियलाइज़ होने लगा, जब सपने की गहराइयों तक मैं पहुँच गया तब मुझे रियलाइज़ होने लगा कि भैया मैं तो जा रहा हूँ कराची। एकदम से चढ़ गया ट्रेन में। जेड के जी के ख्वाब में हम मौजूद हैं और ख्वाब में भी फुटेज आप लोगों को दिखानी है, ख्वाब में भी व्लॉग आप लोगों के लिए बनाना है। तो भैया ये है जेड के जी, इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छा, अभी टीटी साहब आ गए थे हमसे टिकट लेने, तो अल्हम्दुलिल्लाह कानूनी काम करते हैं, बिना कानूनी कोई काम नहीं करते, गैर कानूनी। तो हमारी टिकट मौजूद थी इरफान भाई के पास। तो भैया जी ये भी काम होते हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, हाँ फिर क्या हुआ? फिर कुछ ऐसा सीन हुआ कि पहुंच गए कराची। अब कितने टाइम में पहुंचे इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है बेटा, आप जान सकते हो। चाचा गूगल पे आप सर्च करोगे तो चाचा गूगल आपको सब कुछ बता देगा। ठीक है कि कितना सफ़र है, कैंट स्टेशन था, इतना तो मुझे याद है। अब आगे याद करूं उसके बाद क्या हुआ था, थोड़ा हुआ था आगे। हम उतरे हैं, थोड़ी ही देर हुई है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुई एड्रेस मालूम करने में। गूगल मैप जिंदाबाद, भाई ने आइडिया दिया गूगल मैप का कि गूगल मैप में आप सर्च कर सकते हो। ये भाई इसने एड्रेस घुमा बता बता के हमें बहुत घुमाया। हाँ फिर ये हुआ था कि भैया हम गए एसेसरीज मार्केट, पहले एड्रेस बता नहीं रहा था, उसके बाद अब बोल रहा है कि वही मैं कह रहा हूँ, जिसे एड्रेस पूछ रहे हैं ना ये बंदा बोल रहा है कि वही मैं कह रहा हूँ, पहले नहीं बता रहा जब हम प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। शॉप पे पहुंचने के बाद मैंने ड्रीम माइक, ड्रीम गोप्रो कैमरा, इट्स माय ड्रीम, ड्रीम था कि बड़ा ड्रीम, एक होता है नेक्स्ट लेवल वाला ड्रीम, एक होता है थोड़ा नीचे वाला ड्रीम। तो थोड़ा नीचे वाला ड्रीम था ना, तो यही मेरा ड्रीम था, यही ड्रीम था कि मैं गोप्रो बाय करूं और अपना ये माइक बाय करूं जो कनेक्टेड होता है। चक्कर उर्दू में बात करो भाई। माउंट लिया है गोप्रो के लिए, हेलमेट तो अवेलेबल नहीं है पर ये माउंट मिला है। मैं मोबाइल तो ये चेक कर लेना, वो वायरलेस माइक होता है। ठीक है एनीवे, तो उसके बाद हमने वो अच्छे उसमें पैसों, अब सपने में भी पैसों की नीड हो रही, पैसों की नीड क्यों होने लगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा प्यास लग रही थी, सपने में मुझे पैसों की नीड होने लगी। तो अब इस सिचुएशन में बना क्या करें, ये तो बड़ी हसास सिचुएशन है। तो भैया किसी तरह से मैंने साइड पे पड़ा हुआ पानी पी लिया। तो भैया जी कैमरा भी ले लिया है, गोप्रो एक्शन कैमरा, और उसके बाद चेस्ट माउंट, हेलमेट मिला नहीं, तो MM1 माइक लिया है और एक्स्ट्रा एक बैटरी ली है क्योंकि बैटरी ने बहुत तंग किया, और जो ये पीछे बाल बन रहे हैं ना इन्होंने ही बहुत तंग किया, ये पीछे बाल बन रहे हैं। थैंक यू बॉस, चैनल को सब्सक्राइब करना। हां बिल्कुल, जेड के जी व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। All right.
सपने में भूख भी लगती है यार। हाँ ये चीजें मुझे असली में नहीं मिलेगी, सपने में मिलेगी। बोया MM1 मैंने माइक बाय किया, परचेज किया, जैसे कि देख सकते हो आप ख्वाब में, रियल में नहीं था, काश रियल में होता। जैसे प्यास में स्टॉप हुआ वैसे अब मुझे सपने में भूख लगने लगी। आई एम वेरी हंग्री इन माई ड्रीम। भूख का तो कोई न टाइम होता है ना कोई टाइम टेबल होता है। 3 रुकनी मेंबरशिप मीटिंग पे हमने ये डिसाइड किया, पाकिस्तान वर्ल्ड फेमस अंडा बन कबाब जो होता है वो हमने ऑर्डर किया। खा रहे थे, खाने के साथ भैया हमने फिर जब अंडा कबाब बन कबाब हो उसके साथ स्टिंग ना हो, मींस के सॉरी स्टिंग ना हो, तो भैया खाने का मज़ा ही कुछ ख़राब हो जाता है। तो साथ में स्टिंग भी पी। तो ईटिंग इज डन, अभी तो जाने का मूड है। अभी क्लिफ्टन एक दोस्त रहता है, उससे थोड़ा अच्छी तरह काम है, ठीक है, वो काम निपटाएंगे, कुछ मीटिंग्स करेंगे, उसके बाद रियल लाइफ में ख्वाब टूटेगा और फिर रियल ZKG कादिम आपको मिलेगा। तो आप लोग अभी देख रहे हो कि मैंने ये मुंह में कुछ दिया, ये मीठा पान खाया हुआ है। वो जो बन कबाब जो खाया था ना अंडे वाला बर्गर, उसके बाद मुंह मीठा करना लाजमी था, तो ये फ़र्ज़ हमने निभाया और सुन्नत भी निभाई साथ में। अल्हम्दुलिल्लाह दीनी आदमी हूँ, बहुत पीस मुस्लिम। अचानक से याद आ गया द श्राइन ऑफ अब्दुल्ला शाह गाजी। ये हमें रियल शायद ऑर्डर नहीं था, बुलावा नहीं था सपने में, पर हमने बाहर ही बाहर से सलाम और वहाँ से चलते बने। हाँ तो भैया जी जो रियल में ZKG काजिम है ना उसको लगी है प्यास, तो इस वजह से सपने में कुछ अभी मैं बता नहीं पा रहा कि जा रहे कहाँ हैं, बस कहीं ना कहीं जा रहे हैं। अब जब वो पानी पी लेगा, प्यास ख़त्म कर लेगा, तब उसका दोबारा से सपना कंटिन्यू हो जाएगा। तो भैया टू बी कंटिन्यू। भैया जी अभी चाय पीने का मूड है तो विलेज होटल में जा रहे हैं चाय पीने। ख्वाब में बंदा चाय भी पी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये समुद्र सारा मेरे अप्पा का था भाई। इधर जो भी SUV पे गाड़ी चल रही है AC सही है, वो मेरे अप्पा की थी सारी। नक्शा अब्बा ने निकाला था बुगड़ों के मोटर में, दे दिया वो नक्शा भी। अब हम क्या करें, वो ये कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो भैया आफ्टर टेकिंग चाय इन विलेज होटल देन ये हुआ कि हमें लगने लगी थी भूख दोबारा से। जो मेरे साथ थे ना उनको भूख लगी, जब उनकी बातें से मुझे भी भूख लगी। ऐसा सीन हुआ आप यकीन नहीं करोगे, जैसे ही खाने के बारे में सोचा वहाँ से गायब हो गए, पता ही नहीं पड़ा कहाँ गए। जब हमें सपने में होश आए तो भैया हम हैदराबाद सिटी के किसी पठान भाई के होटल में हम अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे। Understand me, tell me do you understand me, do you understand me, I don't know what ये सलाद तो खाने के साथ खाया जाता पर ये पहले क्यों देते हैं, I don't think about that. They understand me, tell me do you understand me, do you understand me, I don't know what I would be, all my mind would be if I never touched mics, music is my therapy, even though I'll be forever so nice, all I do is try not to be my worst enemy. अगर आप हैदराबाद आओ सपने में या रियल में, पर आप सुपर सलातीन पे अगर आपने आके मटन कढ़ाई नहीं खाई ना तो भैया हैदराबाद आए क्यों। मैं दिल से दुआ करता हूँ कि काश वो सपना सच भले ना हो, जो मैंने अपने सपने में सामान लिया था, इक्विपमेंट लिया था मेरी व्लॉगिंग लाइफ के लिए, मेरे यूट्यूब के काम के लिए, रियल में मेरे पास आ जाए। अब इसके लिए क्या करूँ, मैं दुआ कर सकता हूँ और कुछ नहीं। Are you kidding me? अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सामान की अनबॉक्सिंग करूंगा। GoPro है, माइक है और चेस्ट माउंट है, जो भी ये सामान है जैसे मैं खोलूंगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा भैया, क्योंकि दिस इज माई फैमिली। सब कुछ आपकी मोहब्बत और आपके प्यार की वजह से हुआ है। डू सब्सक्राइब, शेयर वीडियो, लाइक वीडियो, क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू।